एक ऐसा ड्रिंक जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया हो और सबको सूट करे, क्या ऐसा कोई ड्रिंक हो सकता है? और आपकी बॉडी से वेट को रिड्यूस भी करे, अगर एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में है वो भी रिड्यूस हो, साथ ही साथ आपकी स्किन भी चमके और ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती चले जाए, बीमारियों से आप दूर रहें, क्या ऐसी ड्रिंक कोई हो सकती है? जी हाँ, जरूर हो सकती है, लेकिन आप जानते नहीं हैं। आपको पता तो है लेकिन उसके इतने सारे फायदे हैं और आप जानते नहीं है, इसलिए आप उसको डेली कंज्यूम नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कौन सी ये ड्रिंक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। एक ऐसी ड्रिंक जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन आप उसको जानते समझते हुए भी आप डेली कंज्यूम नहीं करते, और कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, इसे खाने से तो हमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम खड़ी उसकी वजह से नहीं होती, आपकी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर रही होती है उस ड्रिंक को लेने से, इस वजह से आपकी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, उस ड्रिंक में हम यूज करने वाले हैं लेमन का। अब नींबू पानी तो सबने पिया होगा और कुछ लोग पीते भी होंगे, उतने अमेजिंग फायदे उन्हें नहीं मिल रहे होंगे। तो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको लेमन का यूज करना चाहिए अपनी ड्रिंक में, और क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ एकदम बेस्ट होती रहे। अब नींबू की बात करें, कुछ लोग नींबू सुन के ही ये डर जाते हैं कि नहीं हमें जॉइंट्स पेन हो जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें जुकाम वगैरह हो जाता है, मतलब हमें नींबू सूट नहीं करता है। तो कुछ लोगों की ये प्रकृति है कि नींबू खट्टा होता है ना, इसलिए बॉडी में इंफ्लामेशन बढ़ जाती है। अब नींबू के अगर आप फायदे सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। देखिए, जब हम नींबू लेना शुरू करते हैं, नींबू की एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी को डिटॉक्स करना। विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो कि नींबू में भर भर के है, और विटामिन सी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है, हमारी स्किन के कोलेजन को तो बूस्ट करती करती है, यानी आप बचे रहते हो जल्दी से एजिंग होने में, यानी रिंकल्स आने में आप बच जाते हो अगर डेली विटामिन सी अच्छी मात्रा में आप लेते हो। अब मैं एक जैसे एग्जाम्पल आपको बताऊं कि एक सेब आपके पास है, आप उसको आप काट के रख दीजिए। कई बार हम काट के रख देते हैं, आप 5-10 मिनट बाद देखोगे कि वो काला हो जाता है। काला इसलिए हो जाता है कि ऑक्सीडेशन उसके ऊपर होने लगता है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एकदम से काला होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप क्या करें कि उस कटे हुए सेब के ऊपर आप नींबू निचोड़ दें, अगर आप नींबू निचोड़ दें और फिर देखें वो काला नहीं होगा, यानी ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकता है। अब ऐसा ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहा है, इसीलिए हम दिन ब दिन बूढ़े होते चले जा रहे हैं। तो ये चीज क्या करता है, जैसे कि आपने सेब के ऊपर इसको फ्राई करके देखा था, ऑक्सीडेशन के जो प्रभाव है उसको कम कर देता है। ऐसे ही अगर आप इसको डेली लेते हैं तो आपकी बॉडी में भी जो बढ़ती उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, आप बूढ़े होते चले जा रहे हैं, उसका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, जैसे जिनको स्टोन होती है उनको हर बार बोला जाता है नींबू पानी पियो, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, कचरा निकालने का काम करता है। अब कुछ लोग ये कहें कि हमें घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, घुटनों का दर्द बढ़ता नहीं है, घुटनों के अंदर जो गंदगी भरी हुई है जैसे यूरिक एसिड जमा हो जाता है, उसको निकालने के लिए ये काम करना शुरू कर देता है, इसीलिए वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। क्योंकि हमेशा पेन वही होता है जहाँ हीलिंग होती है, यानी बॉडी अपने आप को ठीक करना सोचती है, तो इसीलिए वो पेन क्रिएट करने लगती है कि यहाँ से इस चीज़ की मुझे सफाई करनी है। जब भी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया होता है तभी आपको बुखार होता है। बुखार क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप को गर्म करती है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पेन हो रहा है तो आपको नींबू की वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, आपकी बॉडी वहां से टॉक्सिन्स को रिमूव कर रही है। अगर आप नींबू लेने के बाद आपका पेन बढ़ रहा है तो यानी कि आपकी हीलिंग शुरू हो रही है आपकी बॉडी में। तो इतने सारे काम हैं। अब जैसे ये कोलेजन को बूस्ट करता है, आपकी स्किन में चमक लाता है, और नींबू पीने वाले जो लोग नींबू पीते हैं उनकी स्किन चमकी रहती है, दमकी रहती है। अब एक चीज और आपको बता देती हूँ, नींबू का छिलका। अब जो लोग नींबू पानी नहीं पीते, आप एक काम कर लो, अब इसके छिलके में नींबू से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसका छिलका लेना है, आप पानी में अच्छे से उबाल लीजिए, 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे उसको उबाल लीजिए, और इसकी चाय सिप सिप करके आप पिए, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, चाहे तो 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। और अगर ये चाय आप डेली पीते हैं तो आपकी स्किन इतनी चमकेगी कि दूर से देखने वाला भी आपको कहेगा आप क्या खाते हो। चलिए अब ड्रिंक की बात करते हैं देर ना करते हुए। अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो मैं बताती हूँ, थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिए,
आपके वेट लॉस में तो हेल्प करेगा, ये पूरी ओवरऑल हेल्थ आपकी सुधर जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको भीगे हुए चिया सीड्स लेने हैं। चिया सीड्स में होता है ढेर सारा फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो बॉडी में इन्फ्लामेशन दूर करती है, वेट रिड्यूस में हमारी हेल्प करती है। और इसके साथ ही जब ये फाइबर हमारी बॉडी में जाता है तो सटाइटी देता है, एक तो हमें ज्यादा भूख नहीं लगती, और दूसरा क्या करता है, हमारी पेट की सफाई करता है, आंतों की सफाई करता है ये वाला फाइबर। तो फाइबर अगर जितना भी आप खाएंगे, और खास करके सुबह के समय जब पहली बार अगर आपने फाइबर ले लिया तो आपकी बॉडी की सफाई शुरू हो जाती है। तो एक चम्मच आप ये डाल लेंगे चिया सीड्स भीगे हुए, और इस पानी में, अगर पानी आपका हल्का गर्म है, गुनगुना है, तो सबसे बढ़िया चीज है, हो सके तो नॉर्मल पानी भी आप ले सकते हैं। और ये कैपेसिटी आप अपने अकॉर्डिंग तय कर ले, बहुत सारे लोग 2 चम्मच लेते होंगे, लेकिन पहले 1 चम्मच से शुरू करना है, क्योंकि हल्के से गर्म होते हैं चिया सीड्स, इसलिए रात भर पानी में भीगे हुए आपने लेना है। उसके बाद आपको 2 चुटकी के बराबर दालचीनी पाउडर डालनी है। दालचीनी वेट रिड्यूस में बहुत अच्छी होती है, आपके ब्लड को साफ करने में बहुत ही अच्छी होती है। तो दालचीनी के तो बहुत ही सारे फायदे हैं, जिन लोगों को वेट रिड्यूस करना है, या जिनको जॉइंट्स पेन वगैरह है, बॉडी में इन्फ्लामेशन है, कोई भी दिक्कत है, और डायबिटीज वाले भी इसको ले सकते हैं इस तरीके से। अब थोड़ा सा, 1 चुटकी, बिल्कुल 1 चुटकी आपको डालना है काला नमक। काला नमक बहुत ही अच्छा होता है अगर वेट रिड्यूस आप कर रहे हैं, और साथ में इसके स्वाद को भी बढ़ा देता है, तो काला नमक। अब तीसरी चीज है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। देखिए, ब्लैक पेपर में होता है पेपरिन, और पेपरिन आपके मेटाबॉलिज्म को तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, और साथ में क्या करती है कि ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, और छोटी छोटी इन्फ्लामेशन जो बॉडी में होती रहती है, कि जैसे फीवर हो गया, सर्दी जुखाम हो गया, उससे भी आपको बचा के रखती है काली मिर्च। तो काली मिर्च डेली लेना चाहिए। और हाँ, अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए काली मिर्च अगर आप लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा है। आपकी बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है, छाती में घड़घड़ की आवाज आती है जब आप खांसते हो, जल्दी जल्दी खांसी हो जाती है, तो काली मिर्च वो नहीं होने देगी। तो आपको ये सब इसमें डाल के मिक्स कर लेना है। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट और मेन इंग्रेडिएंट है नींबू। थोड़ा सा नींबू हम जरूर निचोड़ लेंगे। अच्छा, जिन लोगों को डायरेक्ट नींबू के रस से दिक्कत होती है, जैसे दांत में कोई प्रॉब्लम है, खट्टा अगर वो जरा भी मुंह में डालते हैं तो एकदम दांतों में दर्द हो जाता है, तो आप एक काम कर लेना, नींबू के छिलके को पानी में अच्छे से उबाल लीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। आप जब ये थोड़ा सा गुनगुना पानी रह जाए, आप उस पानी को छान के उसमें सारी चीजें मिला लीजिए, एकदम से नींबू का रस मत डालिए, नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर लीजिए, और हल्का गुनगुना पिएंगे तो एकदम से दांतों में नहीं लगेगा। जैसे नींबू का रस थोड़ा ज्यादा खट्टा होता है, तो आप उससे बच सकते हैं। इस तरीके से ड्रिंक आपकी तैयार हो चुकी है, ऐसे घुमा लीजिए, ये अच्छे से घुल मिल जाए पानी में सभी चीजें, और इसको आराम से बैठ के सिप सिप करके पी लीजिए। अब कुछ लोग इसको फीका पीना पसंद नहीं करते, तो आप बहुत ही थोड़ी सी मात्रा शहद की मिला सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं पीने में। नहीं, अगर जो लोग फीका पी सकते हैं वो फीका ही पिए। वाह, और स्वाद इसका अमेजिंग है। ऐसा नहीं है कि इसको पी नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, जब चिया सीड्स इसमें डालते हैं तो और भी ज्यादा हमें अच्छा लगता है, और एक ऐसा मन करता है कि हल्का हल्का चबा ले। तो अगर ये मुंह के अंदर रुकेगा तो लार भी आपकी मिक्स होके जाएगी, और वो डबल फायदा करेगी। तो उम्मीद है ये ड्रिंक आपको जरूर पसंद आएगा, और आज से ही आप लेना शुरू कर देंगे अगर आप डबल फायदा चाहते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अदरक को पानी में डाला और उसको बॉईल किया, मेथी को पानी में डाला उसको बहुत ज्यादा बॉईल किया और उसको पी लिया, धनिया को पानी में डाला, ठीक है, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी में वो हीट पैदा कर देती है, क्योंकि एक ही इंग्रेडिएंट है और बार बार आप उसको लिए जा रहे हो, उसमें कोई फाइबर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, जैसे हमने इसमें लेमन डाल दिया है। तो अगर आप इस तरीके से ड्रिंक बना के पीते हैं तो ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, खाली वेट रिड्यूस नहीं करेगा, आपकी पूरी बॉडी को चेंज करके रख देगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।